राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 16 दिसंबर को जारी किए गए नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया के निलंबित आदेशों पर स्टे देते हुए कनौजिया को राहत दी है। न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में नरेश कनौजिया ने गुरुवार शाम को ब्यावर नगर परिषद सभापति का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान परिषद आयुक्त गुरुदीप सिंह ने न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में कनौजिया को पदभार ग्रहण करवाया। कनौजिया के तीसरी बार सभापति पद का पदभार ग्रहण करने के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने उन्हें फूलमालाओं से लादते हुए उनका स्वागत करते हुए शुभकामनाएं दी। इस दौरान उपस्थित पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी तथा नरेश कनौजिया जिंदाबाद के नारे भी लगाए। नरेश कनौजिया के कार्यभार ग्रहण करने के दौरान उपसभापति रेखव चंद खटोट, पार्षद श्रीराज सिंह, माया शंकर यादव, मनोज राज तंवर, सुनीता भाटी, गोपाल सिंह रावत, विनोद खाटवा, अनिल भोजक, वीरेंद्र सिंह रावत, विष्णु प्रकाश हेड़ा, पिंकी कुमावत, मुन्नी देवी तथा बार एसोसिएशन अध्यक्ष टीकम सिंह चौहान आदि उपस्थित थे। मालूम हो कि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से निलंबित चल रहे सभापति नरेश कनौजिया को न्यायालय ने 17 जनवरी को राहत देते हुए डीएलबी की ओर से 16 दिसंबर को जारी निलंबन आदेश पर स्टे दिया था। इससे पहले भी डीएलबी ने सभापति को 17 जून को निलंबित कर दिया था। उक्त आदेश को भी न्यायालय ने नवंबर माह में अपास्त कर दिया था, जिसके बाद कनौजिया ने 24 नवंबर को वापस सभापति पद का कार्यभार संभाला था, जिसके बाद डीएलबी ने एक बार फिर से 16 दिसंबर को कनौजिया को पुनः निलंबित कर दिया था। मालूम हो कि सभापति कनौजिया को 17 जून 2022 को पट्टे जारी करने के प्रकरण में निलंबित करने के बाद उठापटक चलती रही। इसके बाद कनौजिया को न्यायालय से राहत मिली, 24 नवंबर को वापस सभापति पद का कार्यभार संभाला। इसके बाद 16 दिसंबर को कनौजिया को वापस निलंबित कर दिया गया। इसके बाद 19 दिसंबर को गोविंद वापस सभापति पद पर मनोनीत किए गए। इससे पहले 8 जुलाई, 9 सितंबर व 10 नवंबर को सभापति पर गोविंद पंडित का मनोनयन किया गया था। गुरुवार को सभापति पद का कार्यभार ग्रहण करने के दौरान नरेश कनौजिया ने कहा कि राज्य सरकार के पट्टा वितरण अभियान के तहत उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के सुपरविजन में तैयार पत्रावली व अनुशंसा के बाद ही पट्टे जारी किए थे, उसमें उनका कोई दोष नहीं था। पूर्व के कार्यकाल में उन्होंने शहर के विकास में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी और अब आगे भी शहर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकरण में हमें बार बार निलंबन किया जा रहा है, तो उसमें मेरा यही कहना है कि ये जो चीज़ें हैं अभियान के दौरान पे, जैसे कि सरकार ने जारी किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे जारी करे जाए, और ब्यावर शहर ऐसा शहर है कि हम जब से सीट पे बैठे, जो आरएस सीट है, या बार बार समय समय पे कभी ईओ को कभी आरओ को अन्य अन्य बदल बदल के चार्ज दिया जा रहा था, और उन पर दबाव रहता है कि पट्टे जारी करें। तो समय समय पर सब अलग अलग कमिश्नर यहाँ नियुक्त किए गए, और उनके उनके निरीक्षण में ये सारी फाइलें लेआउट ये बने, और उसके बाद उनकी देख रेख में और उनके सुपरविजन में सारी रिपोर्टों के बाद उनके द्वारा हस्ताक्षर के बाद मेरे प्रति उत्तर में हस्ताक्षर होते हैं। अगर कहीं सुपरविजन नेग्लिजेंस होती है तो उसका हमारे अधिकारी हमें बताते हैं इसमें कोई गलत या सही है, तो वो अगर जब बताते हैं तभी हम उसको रोकते हैं, अगर वो नहीं बताते हैं तो हम उसको आगे बढ़ते हैं, और हम सरकार के जो ऑर्डर थे कि उसकी पालना में लोगों को राहत मिले तो हम वो काम कर रहे हैं। लेकिन ज़बरदस्ती मुझे लगता है कि जहाँ मेरा कोई दोष भी नहीं है, अभी उस पर पूरा निष्कर्ष भी नहीं हुआ है कि हमने गलत किया सही किया, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक तरह से सरकार से कि ये को हमारी इंटेंशन नहीं है कोई ऐसा गलत काम करने की। साथ ही हम पट्टे साइन नहीं भी करें तो सरकार के ऑर्डर थे, पहले तो सरकार ने ऑर्डर ही ऐसे किया था कि भाई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अधिशासी अधिकारी पट्टे जारी करेंगे। बाद में विरोध करने के बाद चेयरमैन के लिए भी ये दिशा निर्देश आए थे, गाइडलाइन आई थी, और ऑर्डर थे कि आप चेयरमैन अगर साइन नहीं करते पट्टे तो 15 दिन बाद अधिशासी अधिकारी और कमिश्नर जारी कर सकते हैं। अपने प्रतिष्ठान के विज्ञापन पर पाइए आकर्षक ऑफर। जय स्काई चैनल पर आज ही अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन देवे और पाइए आकर्षक ऑफर। 2 माह के विज्ञापन पर अतिरिक्त 1 माह फ्री ऑफर सीमित समय के लिए, तो आज ही संपर्क करें मोबाइल नंबर 9829050867।